गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बीए फर्स्ट ईयर क्लास एंड बीए बीएड सेकंड ईयर क्लास में वेलकम है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था मगध का नंद वंश तक उत्थान। ओके, कि मगध का नंद वंश तक कैसे उत्थान हुआ था, जिसमें हमने बच्चों पहले किया था बिंबिसार, जो मगध का सर्व शक्तिशाली सम्राट या शासक सिद्ध हुआ था। तो उसने क्या किया था, चार विवाह करवाए थे अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, और उसका शासनकाल कितना था, 544 से 492। फिर 492 से पूर्व में उसकी मृत्यु नहीं, उनकी हत्या की गई थी उसी के बेटे अयाज शत्रु के द्वारा। तो बिंबिसार के बाद कौन आता है, अयाज शत्रु। इसने शासन किया था 492 से 460 ईस्वी पूर्व। तो इन दोनों के, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों की जो राजधानी रही थी वो थी राजगृह। उसके बाद आते हैं, आज हम करेंगे अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के। 460 ईस्वी में अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ओके, पहला कौन आया था, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उसके बाद आया था उदयन। तो उदयन ने शासन किया था 460 ईस्वी से लेकर 444 तक। ओके, 460 से लेकर 444। तो इसने जो अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, क्या थी, राजगृह से बदलकर कहां ले आया था ये अपनी राजधानी, पाटलिपुत्र में ले आया था। क्लियर। तो जो पाटलिपुत्र में को उसने राजधानी क्यों बनाया था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र था वो इसके साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में स्थित था, जिससे वो चारों ओर अच्छी तरह से प्रशासन चला सकता था। तो इसके पश्चात इनके बारे में, जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इतना ही पता चलता है कि उदयन ने राजधानी चेंज की थी। फिर उदयन के बाद आए थे तीन और शासक, आए थे अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। ओके, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। तो ये चारों पांचों कौन से वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से। ओके, हर्यक वंश ने पहले शासन किया था, उसका जो पहला शासक था वो कौन था, बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध आया, अनिरुद्ध के बाद मुंड आया, मुंड के बाद नागदशक। तो जो लास्ट वाले तीनों शास्त्र, इनके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। ये निकम्मे और आलसी शासक थे। कहा जाता है कि जो लास्ट शासक था इनका नागदशक, इसकी हत्या शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने कर दी थी। कब, 420 ईस्वी पूर्व में। क्लियर। बिंबिसार की भी हत्या हुई थी, फिर उसके बाद नागदशक की भी हत्या किसने की थी, अगला वंश जो आया था शिशुनाग वंश, उसके शासक का नाम था शिशुनाग, उसने नागदशक की हत्या की थी। कब, 420 ईस्वी पूर्व में। तो इस तरह हर्यक वंश का हो गया अंत, और उसने कौन सी वंश की स्थापना कर ली अपने नाम पर, शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। तो उसने क्या किया, कुछ समय के लिए वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने किसको बनाया था, राजगृह को, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र के बाद इन्होंने राजधानी चेंज करके कौन सी बना ली, वैशाली को राजधानी बना लिया था। इसके अलावा ये एक शक्तिशाली शासक था जो शिशुनाग था, इसने अवंती के शासक चंडप्रद्योतित महासीन को हराया था। इसके अलावा इसने कौशल और वत्स के शासकों को भी हराया था। तो इस शासकों को हराने के बाद इसने जो शिशुनाग था, इनके प्रदेशों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, जिसके कारण इसके साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैल गई थी और इसकी प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। और शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बैठता है गद्दी पर, उसका नाम क्या था, कालाशोक। क्लियर, कालाशोक वह शासन बनता है। और इसके समय भी जो मगध था, उस साम्राज्य ने काफी ज्यादा विकास किया था। इसने जैसे अजातशत्रु ने बौद्ध संगीति बुलाई थी ना, वैसे ही दूसरी जो बौद्ध संगीति या सभा थी वो कालाशोक के समय में बुलाई गई थी। इसने बुलाई थी 387 ईस्वी में, 387 387 ईस्वी पूर्व में
इसने बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी सभा आयोजित की थी। और इसके बाद 364 ईस्वी पूर्व में जो तीसरा वंश आया था नंद वंश, तो नंद वंश का जो महापद्मानंद था इसने कालाशोक की हत्या कर दी। मतलब कि हर एक वंश की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना हुई? शिशुनाग वंश की। जो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, उसकी हत्या किसने कर दी थी? नंद वंश के शासक महापद्मानंद ने। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा नंद वंश। ओके, तो कालाशोक की हत्या किसने की थी? 364 ईस्वी में नंद वंश के महापद्मानंद ने। ओके, तो वहां क्या हुआ? जो था नाग वंश उसका अंत हो गया और जो नंद वंश का उदय हुआ था। तो जो महापद्मानंद था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट माना जाता था। इसके अलावा उसको उग्रसेन भी कहा जाता था। ये आपके शायद प्रश्न बनेंगे कि उग्रसेन किसे कहते थे या महापद्मानंद को किस उपाधि से जाना जाता है? उग्रसेन। इसके अलावा उसने क्षत्रियो का नाश किया था जिसके कारण महापद्मानंद को सर्वक्षतांत्रक भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो उसने अपने शासन काल में बहुत से शासकों को लाया था जिसमें पंचाल, कुरु, शूरसेन, मिथिला, कलिंगा, इन शासकों को हराया था और इनके क्षेत्रों को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था जिसके कारण उसकी जो साम्राज्य की सीमाएं थी उनका खूब विस्तार हुआ था। तो उसके इसी मतलब प्रसिद्धि के कारण उसको उत्तरी भारत का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि उत्तरी भारत का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो कौन था? महापद्मानंद। ओके, तो उसके बाद महापद्मानंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया था जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि उसके 8 पुत्रों ने शासन किया था और कुल उन्होंने 22 वर्ष तक शासन किया था। और इनमें जो सबसे फेमस था इन 8 पुत्रों में वो था धन्नानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। धन्नानंद, ये इसके पास काफी धन होने के कारण या धनी होने के कारण इसको धन्नानंद के नाम से पुकारा जाता है। और उसने बहुत विशाल सेना का निर्माण किया था। धन्नानंद की सेना में 2,00,000 पैदल, 60,000 घोड़सवार और 6,000 हाथी शामिल थे। इसी विशाल सेना के कारण 326 ईस्वी पूर्व में हम जब बात करते हैं तो सिकंदर की सेना जब भारत पर आक्रमण करती है तो उसने मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया था क्योंकि जो धन्नानंद था उसके पास बहुत विशाल सेना थी जिसका सामना सिकंदर नहीं कर सकता था। परंतु धन्नानंद में कमी थी कि वो एक लोभी व्यक्ति था। उसने धन एकत्रित करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी थी। इसके अलावा उसने धन एकत्रित करने के लिए जनता में अपनी प्रजा से गैर कानूनी ढंग अपनाए थे धन इकट्ठा करने के लिए। तो 321 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण कर लिया और जो धन्नानंद था उसका शासन का अंत हो गया और जो मगध था उस पर किसका अधिकार हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। तो यहाँ तक क्लियर कि तीन वंशों ने जो मगध पर अपना शासन चलाया था, पहले कौन सा था? हर्यक वंश, जिसमें सबसे पहले बिंबिसार आया, उसके बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उद्यन आया था, उद्यन के बाद 3 और शासक आए थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, जिनके नाम है अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने की थी? नागवंश के शिशु नाग ने की थी। फिर आगे हम करते हैं नागवंश का पहला शासक कौन था? शिशु नाग। दूसरा कौन था? कालाशोक। कालाशोक की हत्या किसने की थी? नंद वंश के शासक महापद्मानंद ने। तो इससे के बाद क्या शुरू होता है? नंद वंश, जिसमें सबसे फेमस कौन था?
महापद्मानंद था, उसके बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिनमें सबसे फेमस और जो उनका अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद। और उसका जो 321 ईस्वी पूर्व में किसने मगध पर अधिकार कर लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। यहाँ तक क्लियर? तो नेक्स्ट हम करते हैं मगध साम्राज्य के विस्तार के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम जैसे कि जानते हैं बच्चों कि उनकी भौगोलिक स्थिति सबसे अच्छी थी। उस समय जो मगध साम्राज्य था वो चारों ओर से सुरक्षित था, सेंटर में था। जैसे कि एक साइड क्या थी, गंगा नदी के उत्तर में, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, पूर्व में सोन और पश्चिम में चंपा की नदियां बहती थी। तो चारों ओर ये साम्राज्य था सुरक्षित था, इन पर कोई भी दुश्मन या आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर सकता था। अगर इनकी राजधानियों की बात करें तो इसकी दो राजधानियां थी, पहली क्या थी, राजगृह, जो 5 पर्वतों से घिरी हुई थी। तो उस पर क्या थे, अभी तक तोपों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कोई भी दुश्मन या आक्रमणकारी उनकी राजधानी पर अटैक नहीं कर सकता था। इसी तरह उन्होंने जब 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, तो ये जो जे पाटलिपुत्र थी वो भी 3 नदियों के संगम पर बनी हुई थी, गंगा, इसके अलावा गंडक और सोन नदियों के संगम पर ये बनी हुई थी। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर जो थी इनके सूर्या नदी भी मिलती थी। इस तरह इन नदियों के कारण इनका जो आवाजाही अच्छी थी, इसके अलावा इनकी भौगोलिक स्थिति कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अच्छी थी, जिसके कारण ये साम्राज्य का काफी ज्यादा विकास और विस्तार हुआ। नेक्स्ट है लोहे के विशाल भंडार। कि जब मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था तो मगध में बाकी महाजनपदों के कंपैरिजन में लोहे के विशाल भंडार सबसे ज्यादा मिले थे, जिसके कारण इन्होंने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। जब भी इन पर कोई, पहले तो कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता ही नहीं था, अगर कोई करता भी था तो इनके पास कौन से हथियार थे, लोहे के औजार, हथियार होने के कारण ये अपने विरोधियों को सरलता से पराजित कर पाए थे। इसी तरह इनका जो इनके जो लोहार थे वो बढ़िया किस्म के शस्त्र बनाने में सफल हुए थे। इस तरह इन्होंने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता कायम कर लिया था एक तरह से। ओके, उसके बाद है विशाल सेना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि महापद्मानंद या धनानंद थे, उनके पास विशाल सेना थी। ओके, तो विशाल सेना के कारण भी मगध साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। जैसे उनके पास 6000 हाथी, इसके अलावा 60000 घोड़सवार थे, तो इन्हीं के कारण 2,00,000 पैदल सैनिक थे। इन्हीं विशाल सेना के कारण भी उन्होंने अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। उसके बाद आता है अच्छी आर्थिक स्थिति, कि वहां की जलवायु काफी अच्छी थी, भूमि काफी उपजाऊ या उर्वर मानी जाती थी, फसलों की भरपूर पैदावार होती थी, यातायात और आवाजाही के साधनों का अच्छी तरह से विकास हुआ, जिसके कारण जो मगध साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ। उसके बाद आता है अन्य कारणों में बच्चे हम जानते हैं इनके शासकों के बारे में, जैसे अजातशत्रु, उसके बाद पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उसके बाद महापद्मानंद, धनानंद, ये फेमस शासक माने थे। इनकी जो नीतियों के कारण जो मगध साम्राज्य का काफी ज्यादा विकास और विस्तार हुआ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।